हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मेरा न्यू ब्लॉग आ रहा है बड़े दिन के बाद। तो गाइस क्योंकि टाइम नहीं लगता है बिल्कुल ब्लॉग बनाने का, तो बड़े दिन के बाद आज ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो आज मेरा ब्लॉग रहेगा, हम बना रहे हैं मिक्स फ्रूट शरबत। तो जो उसके लिए सामान वगैरह लाया है वो दिखा देता हूँ आपको। तो हम बनाने वाले आपको रेसिपीज की दिखाने वाले हैं, तो बने रहना हमारे साथ ब्लॉग में। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें हम डालेंगे। तो मेरे साथ हैं शाहिद भाई, देखो शोपरे हैं तो कोई बात नहीं। तो गाइस अब मैं आपको सामान भी बता देता हूँ जो जो मैंने यहाँ पे सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो शाहिद भाई सारा सामान आ गया? आ गया ना सारा सामान, ये देख पा रहे हो। हमने ये ले लिया हमने चॉपर, इसे हम बारीक बारीक फ्रूट काटेंगे। तो ये ले लिया हम बड़ा वाला एक टब 50 लीटर का, जिसमें हम मिक्स फ्रूट काटेंगे सब कुछ। तो पानी वगैरह ले लिया बाल्टी में, और दूध के डब्बे वगैरह, रूह अफज़ा वगैरह ये सब आ चुके हैं हमारे पास, और चीनी वगैरह के पैकेट वगैरह सब आ चुके हैं। ये हमारा दवाना, तो ये आ गया दवाना, ये हमारा दवाना, और ये भी आ गया, ककड़ी भी आ चुकी है ये देख पा रहे हो। और ये रहा इसमें पहले पूरे ना, ये अंगूर ब्लैक वाले अंगूर भी आ गए हैं, और ये आ गए हैं ग्रीन वाले अंगूर। तो दोनों आ चुके हैं, ये ब्लैक वाले और ये ग्रीन वाले, और बनाना भी आ चुके हैं। तो बाकी अभी बबरी वगैरह वो भी लाई है, ये यहाँ पे रखी हुई है। तो इसको भी अभी हम पानी में डालेंगे, तो 2-3 घंटे तक डालेंगे तो ये फूल के बड़ी हो जाएगी। तो बने रहना ब्लॉग में, अब करते हैं शुरू हम सब काम ये। तो दिखाते हैं आपको कैसे कैसे बनता है, और ज़रूरत होती है इसमें। तो शाहिद भाई तो हो गए शुरू चाकू लेके। तो अभी तो भाई अभी हम बबरी गीली करने वाले हैं, पानी में डालने वाले हैं। तो पता नहीं कितनी हो जाएगी, हमें इतना ज़्यादा अभी एस्टिमेट नहीं है, लेकिन तो लास्ट में बता दूंगा क्या क्या चीज़ कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ी है। तो फूल के ज़्यादा बड़ी हो जाती है, अभी इतना ज़्यादा पता नहीं है इसका कितनी होगी कितनी नहीं। तो इसमें डालते हैं अभी पानी, भर के रख देते हैं इसको। तो ये रही बबरी, तो ये देख पा रहे हो बबरी इसमें डाल दिया, और ये भर के पूरी रख दिया है। तो ये देख, जब इसकी फूल जाएगी बबरी सारी, तो मैं उसके बाद दिखा दूंगा इसकी वीडियो आप। तो अब चलते हैं हम अभी फ्रूट की तरफ, तो काटते हैं इनको। तो वैसे अभी हो चुका है दोना, शुरू काटना शुरू हो कर दिया है। तो पहले इसको ऐसे ऐसे पीस कर लेंगे हम पहले, फिर हम इसमें चॉपर में रखेंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो बने रहना ब्लॉग में, पूरा एक ए टू जेड पूरा तरीका हम बताएंगे यहाँ पे, दिखाएंगे आपको। तो गाइस आज अभी इससे हम छोटे छोटे चॉपर के साथ छोटे छोटे पीस कर देंगे, क्योंकि ऐसे करके ये देख पा रहे हो आप, ये देख पा रहे हो छोटे छोटे बिल्कुल पीस, ये ठीक रहते हैं हम, क्योंकि गिलास में डाल के देंगे तो ये गिलास में डाल के खाना होता है पीना होता है, दोनों काम करने होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा साइज़ हो तो ये आता नहीं है गिलास में, ऐसे छोटे छोटे पीस ठीक रहते हैं। ऐसे करके फटाफट से काटते जाएंगे हम। तो वही जगह हमने दोना भी काट लिया और ककड़ी भी काट लिया, देख सकते हो आप, हमने बारीक चॉपर के साथ काट लिया है, ये देख पा रहे हो आपने। ये रहा दोना और ये रही हमारी ककड़ी, बिल्कुल बारीक बारीक हमने कर दी है, देख पा रहे हो आप, बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर दिए हमने। तो अभी केला रह गया है और अंगूर रह गए हैं दोनों चीज़ें, तो ये भी करके आपको दिखाते हैं। तो बाकी सामान पड़ा हुआ इधर ही। तो केले के लिए हमने बड़ा साइज़ लगाना है, ये वाला साइज़ लगाना है हमने अभी। तो गाइस देख पा रहे हो अभी जो हमने यहाँ पे बबरी डाली हुई थी वो भी फूल चुकी है, तो
जो बची हुई है थोड़ी बहुत अभी बीच बीच में है, जो नहीं फूली हुई है वो भी 10-15 मिनट में फूल जाएगी। अभी आधा घंटा हुआ हमने इसको रखे हुए तो अभी फूल चुकी है। तो अभी अंगूर वाश करने की बारी आ गई है, इसको अच्छे से धो लेते हैं अंगूर को। तो ब्लैक वाला भी नीचे है और ये ग्रीन वाला भी, तो इसको धो के तो फिर काटते हैं इसको चॉपर के साथ। अच्छे से धो के फिर इनको काट के दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस क्या रहेगा हमारा। आगे का प्रोसेस क्या रहता है हमारा तो देख पा रहे हो अच्छे से। शायद भाई हमारे दो रहे हैं, टोपी शॉपी डाल के पूरी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस अभी आ गया अंगूर की बारी। तो ये देख पा रहे हो हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे, तो ये भी ऐसे चॉपर कर लेंगे इसके। देख पा रहे हो चुके हैं, बाकी हम ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे सारे कर देंगे। तो गाइस आप बने रहना वीडियो में, बने रहना वीडियो पे रहना। तो ऐसे करके गाइस ये देख पा रहे छोटे छोटे पीस हो रहे हैं। तो तो गाइस अभी हमने देखो ये दोना ये भी काट लिया है, और ये रही ककड़ी ये भी काट लिया, और ये रहा हमारे अंगूर काले वाले भी और ग्रीन वाले दोनों किस्म के। ये पूरा टब हमने आधा कर लिया है फ्रूट के साथ। अभी रही है केले की बारी, तो अभी इनको भी चॉपर से काटेंगे, ये रहा चॉपर। तो गाइस ये हमने सब कुछ हमने चॉपर कर लिया है, इसमें अपने केला भी आ गया, अंगूर भी आ गया, दोना भी आ गया और ककड़ी भी आ गया। हम देसी बंदे हैं, हम इंग्लिश नहीं मारते भाई, हम सीधा सारा मिक्स हमने बता दिया जो हम बोलते हैं। अब आगे ये डालेंगे हम इसमें, तो करेंगे मिक्स। तो भाई हमने अभी इसमें चीनी वगैरह मिक्स कर लिया पानी में, तो अब दूध की बारी आ गई है। ये दूध काट के हमने रख लिया है, तो अब इसमें दूध भी डालेंगे। तो दूध के बाद फिर रूह अफज़ा डालेंगे। तो ये आ गई दूध की बारी, दूध डाल दिया है। दूध डाल के फिर दूध अफजे के बारे आपको दिखाएंगे, फिर दूध अफजा डालने से दिखाएंगे आपको। या तले किधर गया रूह अफ़ज़ा? ओ गाइस चेक करो, चेक करो गाइस, रूह अफ़ज़ा लाल लाल दिख रहा तो है ही नहीं। किधर गया रूह अफ़ज़ा भाई? मैं तो बोलिया चलो यार मैं दिख रहा। तो गाइस अभी हमने इसमें दूध और चीनी और रूह अफ़ज़ा इसमें मिक्स कर दिया है। तो अभी ये देख पा रहे हो आप, अभी हम तो अब हम इसमें फ्रूट मिक्स करेंगे और बबरी रहेगी हमारी वो मिक्स करेंगे। तो बने रहना ब्लॉग में, वो भी दिखाएंगे और एंड में भी दिखाएंगे कैसे बना है ये। तो गाइस अभी आ गई है हमारी बबरी, तो ये इसमें डाल रहे हैं बबरी थोड़ा चेंज देने के लिए। तो देख पा रहे हो आप ये रही बबरी फूल के, कितनी ब्लैक ब्लैक डाली थी, तो अभी फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है ये। तो ये ये हमारा 50 लीटर का टब कंप्लीट हो गया बनके। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।